कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ 12 को चलने के लिए विंडोज के स्टार्ट मेन्यू के विकल्प पर माउस पॉइंटर लाने पर प्रदर्शित होने वाले उप मेन्यू में कोरल ड्रॉ 12 पर माउस पॉइंटर लाते हैं। अब एक अन्य उप मेन्यू प्रदर्शित होता है। इस उप मेन्यू के विकल्प कोरल ड्रॉ 12 पर क्लिक करने पर कोरल ड्रॉ कार्य करना प्रारंभ कर देता है। कोरल ड्रॉ विभिन्न आंतरिक प्रक्रियाओं को करता हुआ लोड हो जाता है और मॉनिटर स्क्रीन पर निम्नांकित चित्र की भांति विंडो का प्रदर्शन होता है। वेलकम टू कोरल ड्रॉ विंडो में 6 विकल्प आइकन्स के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जिस आइकन पर भी माउस पॉइंटर को ले जाया जाता है उससे संबंधित सूचना इस डायलॉग बॉक्स में क्लिक का ग्राफिक टू बिगिन के स्थान पर प्रदर्शित होती है। ये भी सूचना ही है कि कोरल ड्रॉ 12 पर कार्य करना प्रारंभ करने के लिए इन 6 आइकन्स में से किसी एक पर क्लिक करें। 1. पहले आइकन न्यू ग्राफिक पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ में नई ग्राफिक्स बनाने के लिए नई फाइल खोल सकते हैं। 2. दूसरे आइकन ओपन लास्ट एडिटेड पर क्लिक करके इससे पहले जब कोरल ड्रॉ को बंद किया गया था तब अंतिम बार जिस ग्राफिक फाइल पर कार्य किया जा रहा था उस फाइल को खोला जा सकता है। 3. तीसरे आइकन ओपन ग्राफिक पर क्लिक करके पहले से बनी हुई किसी भी ग्राफिक को खोला जा सकता है। 4. चौथे आइकन टेम्पलेट पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में स्थित टेम्पलेट फाइल्स पर आधारित नई ग्राफिक का निर्माण किया जा सकता है। 5. आइकन कोरल ट्यूटर पर क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो प्रदर्शित होती है और इसमें कोरल ट्यूटर कार्यान्वित होता है। इसमें 5 लेसन्स में कोरल ड्रॉ 12 में कार्य करते हुए डिजाइनिंग करना सिखाया जाता है। 6. आइकन व्हाट्स न्यू पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली विंडो में कोरल ड्रॉ 12 समाहित की गई नवीनतम सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम नहीं चाहते हैं कि पुनः कोरल ड्रॉ को खोलने पर वेलकम टू कोरल ड्रॉ विंडो का प्रदर्शन हो तो इस विंडो में नीचे की ओर दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसे रिक्त कर दिया जाता है। कोरल ड्रॉ 12 की एप्लीकेशन विंडो। वेलकम टू कोरल ड्रॉ विंडो में पहले आइकन न्यू ग्राफिक पर क्लिक करने पर मॉनिटर की स्क्रीन पर कोरल ड्रॉ 12 की एप्लीकेशन विंडो प्रदर्शन के लिए चित्र की भांति होता है। कोरल ड्रॉ 12 में कार्य करने से पूर्व हमें इसके एप्लीकेशन विंडो तथा इसके मुख्य भागों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं: 1. टाइटल बार, 2. मेन्यू बार, 3. टूल बार, 4. प्रॉपर्टी बार, 5. टूल बॉक्स, 6. कलर पैलेट, 7. फिल इंफॉर्मेशन, 8. आउटलाइन इंफॉर्मेशन, 9. कर्सर पोजीशन, 10. पृष्ठ। कोरल ड्रॉ 12 का टूल बार। कोरल ड्रॉ 12 के टूल बार पर ऐसे अनेक टूल बटन स्थित होते हैं जो कि कोरल 12 के मेन्यू में स्थित कमांड्स के लिए शॉर्टकट का कार्य करते हैं। इसे कोरल ड्रॉ के स्टैंडर्ड टूल बार भी कहा जाता है। इस चित्र में इस टूल बार पर स्थित विभिन्न टूल बटनों के नाम दर्शाए गए हैं। इन टूल बटनों के प्रयोग से होने वाले कार्य निम्नलिखित हैं: 1. न्यू। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करने से कोरल ड्रॉ 12 में एक नई ग्राफिक खुल जाती है। 2. ओपन। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में पहले से बनी हुई किसी ड्रॉइंग फाइल को खोलने का कार्य किया जाता है। 3. सेव। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्रॉइंग फाइल में किए गए कार्य को सुरक्षित करने का कार्य किया जाता है। 4. प्रिंट। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्रॉइंग फाइल का प्रिंट प्रिंटर की सहायता से कागज पर प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। 5. कट। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्राइंग फाइल में चुने हुए ऑब्जेक्ट को विंडोज क्लिकबोर्ड पर कट करने का कार्य किया जाता है। 6. कॉपी। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्राइंग फाइल में चुने हुए ऑब्जेक्ट्स को विंडोज क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने का कार्य किया जाता है। 7. पेस्ट। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्राइंग फाइल में चुने हुए ऑब्जेक्ट्स को विंडोज क्लिपबोर्ड पर पेस्ट करने का कार्य किया जाता है। 8. अंडू। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्राइंग फाइल्स तुरंत पहले किए गए कार्य को निरस्त करने का कार्य किया जाता है। 9. रीडू। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्राइंग फाइल में अंडो को प्रयोग करके निरस्त किए गए कार्य को पुनः करने का कार्य किया जाता है। 10. इंपोर्ट।
इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्राइंग फाइल में किसी अन्य फाइल को इंपोर्ट करने का कार्य किया जाता है। 11. एक्सपोर्ट। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्राइंग के लिए चुने हुए ऑब्जेक्ट अथवा संपूर्ण ड्राइंग को किसी अन्य फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करने का कार्य किया जाता है। 12. जूम लेवल्स। इस टूल बटन पर माउस पॉइंटर लाकर इसके दाएं सिरे पर दिए गए डाउन एरो पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली सूची में से वांछित प्रतिशत आकार अथवा विकल्प चुनकर कोरल ड्रॉ 12 में खुली हुई ड्राइंग फाइल के प्रदर्शन का आकार निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। इस टूल बटन के टेक्स्ट बॉक्स वांछित प्रतिशत आकार को टाइप भी किया जा सकता है। कोरल ड्रॉ 12 का टूल बॉक्स, पिक टूल, जूम टूल, शेप टूल, स्मार्ट ड्राइंग टूल, फ्री हैंड टूल, एलिप्स टूल, रेक्टेंगल टूल, ग्राफ पेपर टूल, बेसिक शेप्स टूल, टेक्स्ट टूल, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल, आउटलाइन टूल, टेक्स्ट टूल, आई ड्रॉपर टूल, इंटरैक्टिव फिल टूल, फिल टूल। डॉकर्स को खोलना, बंद करना एवं आकार बदलना। डॉकर्स खोलना। कोरल ड्रॉ में स्थित डॉकर्स विंडो कई डायलॉग बॉक्स एवं रोलअप्स को स्थानांतरित कर देता है। डॉकर्स विंडो के द्वारा हम कार्य करते समय अपने विकल्पों को खुला रख सकते हैं। डॉकर्स विंडो को खोलने के लिए आप पॉपअप मेन्यू में से व्यू डॉकर्स चुनकर पॉपअप मेन्यू में से आवश्यकता अनुसार डॉकर्स चुनिए। डॉकर्स बंद करना। किसी भी डॉकर को बंद करने के लिए डॉकर विंडो के ऊपर दाईं ओर स्थित चिन्ह पर क्लिक करें, विंडो बंद हो जाएगी। डॉकर्स के आकार में परिवर्तन करना। किसी भी डॉकर विंडो के आकार में परिवर्तन करने के लिए विंडो पर क्लिक करके बाएं किनारे पर ले आइए। ड्राइंग विंडो का आकार उसी के अनुसार हो जाएगा। वेक्टर आकृतियां बनाना, आयत बनाना। आप रेक्टेंगल टूल का प्रयोग आकार एवं माप के आयत एवं वर्ग बनाने में कर सकते हैं। आप रेक्टेंगल टूल को निम्न तीन विधियों द्वारा चुन सकते हैं। क, टूल बॉक्स में स्थित आयत के आइकन पर क्लिक करें। ख, अब F6 दबाइए। ग, ड्राइंग विंडो पर दायां क्लिक करके क्रिएट ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल चुनिए। वर्ग बनाना। आप कंट्रोल की के द्वारा रेक्टेंगल टूल से वर्ग बना सकते हैं। वर्ग से घिरे 8 काले बॉक्स से प्रदर्शित होता है कि बॉक्स सेलेक्ट कर लिया गया है। वर्ग के भीतर स्थित क्रॉस चिन्ह वर्ग मध्य भाग दर्शाता है। अर्धवृत्त बनाना। आप टूल की सहायता से अर्धवृत्त, वृत्त एवं अंडवक्र विभिन्न आकार एवं मापों में बना सकते हैं। आप तीन विधियों द्वारा अर्धवृत्त बना सकते हैं। क, टूल बॉक्स में स्थित एलिप्स टूल के आइकन पर क्लिक करें। ख, अब F7 दबाएं। ग, ड्राइंग विंडो के दाईं ओर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली विंडो में ऑब्जेक्ट एलिप्स पर क्लिक करें। पॉलीगॉन टूल। ये टूल बॉक्स में स्थित होता है। आप पॉलीगॉन बनाते समय उसके किनारों का वर्णन कर सकते हैं। आप ये वर्णन भी कर सकते हैं कि उसके किनारे चपटे हैं अथवा नुकीले। क, टूल बॉक्स में से पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करें। ख, अब ड्राइंग विंडो में दाएं क्लिक करके ऑब्जेक्ट पॉलीगॉन पर क्लिक करें। फ्री हैंड टूल। आप ड्राइंग पेज पर स्वच्छंद रूप से चित्रकारी करने के लिए फ्री हैंड टूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये टूल बॉक्स में पाया जाता है। ये इस प्रकार कार्य करता है जैसे आप कागज के टुकड़े पर पेंसिल से चित्रकारी करते हैं। नेचुरल पेन टूल। इसके द्वारा आप आसान आकृतियां बना सकते हैं। आप नेचुरल पेन टूल के द्वारा मोटे वक्र वाली आकृतियां बना सकते हैं। आप इसे टूल के द्वारा किसी बंद स्थान में भी आकृतियां बना सकते हैं। नेचुरल पेन टूल में 4 विकल्प होते हैं। क, फिक्स्ड विथ नेचुरल पेन टाइप। ख, प्रेशर नेचुरल टाइप। ग, कैलीग्राफिक नेचुरल टाइप। घ, प्रीसेट नेचुरल पेन टाइप। क, फिक्स्ड विथ नेचुरल पेन टाइप। इस टूल के द्वारा हम एक सामान मोटाई वाली वक्र रेखाएं बना सकते हैं। ख, प्रेशर नेचुरल टाइप। ये प्रेशर मोड वक्र का निर्माण करता है जो सेंसिटिव पेन अथवा कीबोर्ड इनपुट से फीडबैक प्राप्त करता है। ग, कैलीग्राफिक नेचुरल टाइप। कैलीग्राफिक मोड वक्र की दिशा के अनुसार वक्र की मोटाई में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जब आप इस मोड में नेचुरल पेन टूल से चित्रकारी करेंगे त
तब आपको कैलीग्राफिक टूल जैसा प्रभाव प्राप्त होगा। घ, प्रीसेट नेचुरल पेन टाइप। आप प्रीसेट मोड में प्रॉपर्टी बार में स्थित नेचुरल पेन प्रीसेट बॉक्स में से शैली चुनकर रेखाओं की मोटाई में परिवर्तन ला सकते हैं। टेक्स्ट तैयार करना। टेक्स्ट टूल में दो प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, क आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ख पैराग्राफ टेक्स्ट। क आर्टिस्टिक टेक्स्ट, इसका निर्माण टेक्स्ट टूल के द्वारा किया जाता है। आप टूल का प्रयोग कोरल ड्रॉ में रेखाएं, शीर्षक अथवा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। इस टेक्स्ट में लगभग 52,000 अक्षर होते हैं। स्केलिंग एंड मिररिंग ऑब्जेक्ट्स, आप यह कार्य दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। क, सर्वप्रथम वस्तु बनाकर उसे पिक टूल से सेलेक्ट करें। ख, स्केल एंड मिरर रोलअप खोलने के लिए अरेंज ट्रांसफॉर्मेशन स्केल एंड मिरर चुनिए। ग, वस्तु को लंबवत अथवा क्षैतिजीय दिशा में डालने के लिए H एवं V टेक्स्ट बॉक्स में से इच्छा अनुसार प्रतिशत चुनिए। घ, चुनी गई वस्तु की मिरर इमेज तैयार करने के लिए सिलेक्शन में हॉरिजेंटल अथवा वर्टिकल मिरर बटन चुने। अंग, वास्तविक वस्तु को सही स्थान पर रखते हुए अप्लाई टू डुप्लीकेट बटन के द्वारा वस्तु की एक प्रति तैयार करें। नोट्स का ज्ञान। नोट्स वेक्टर के कलात्मक कार्यों के निर्माण कारक तत्व होते हैं। टूल बॉक्स के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु जैसे रेखा, वक्र अथवा आकृति में नोट पाया जाता है। रेखाओं एवं वक्रों के अंत में पाए जाने वाले बॉक्स नोट्स कहलाते हैं। नोट्स तीन प्रकार के होते हैं, क कस्प नोट, ख स्मूथ नोट, ग सिमेट्रिकल नोट। क कस्प नोट। कस्प नोट का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जहां वक्र की आकृति को किनारे के बिंदु में परिवर्तित करना हो। ख स्मूथ नोट, जहां दो रेखाएं मिलती हों वहां इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ग सिमेट्रिकल नोड, जब आप बेजियर टूल की मदद से आकृति बनाते हैं तब आप सिमेट्रिकल नोड में ही कार्य करते हैं। नाइफ टूल, शेप फ्लाईआउट टूल में पाया जाने वाला दूसरा टूल नाइफ टूल होता है। प्रदर्शित फ्लाईआउट मेन्यू में से पिक टूल एवं नाइफ टूल के नीचे स्थित शेप टूल पर क्लिक करें। नाइफ टूल की आकृति एडिट रोलअप में स्थित ब्रेक कर्व बटन के समान होती है। अंतर केवल इतना होता है कि किसी वस्तु को अलग करने के लिए आपको किसी नोड पर क्लिक नहीं करना पड़ता। इरेजर टूल, इरेजर टूल शेप फ्लाईआउट टूल का तीसरा टूल होता है। सर्वप्रथम पिक टूल के नीचे से शेप टूल पर क्लिक करें। अब प्रदर्शित हुए फ्लाईआउट मेन्यू में इरेजर टूल पर क्लिक करें। आप इस टूल को वस्तुओं पर घुमाकर उन्हें मिटा सकते हैं। आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स, आप वस्तुओं में आउटलाइन डालने के लिए आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। आप इस बॉक्स में आउटलाइन का रंग, चौड़ाई एवं शैली निश्चित कर सकते हैं। जूम टूल, इसका प्रयोग केरल रॉ में वस्तुओं में जूमिंग इन तथा जूमिंग आउट प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। आप जूम टूल का प्रयोग वस्तुओं के आवर्धन स्तर को कम करने के लिए करते हैं। आप इसके द्वारा किसी क्षेत्र को क्लिक करके अपने स्थान से हटा भी सकते हैं। वस्तुओं का क्रम बदलना, आप कोरल ड्रॉ में बनाई गई वस्तुओं का क्रम भी बदल सकते हैं। अरेंज ऑर्डर कमांड के द्वारा सेलेक्ट की गई वस्तुओं के क्रम में परिवर्तन ला सकते हैं। वेल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, आप वेल्ड रोलअप का प्रयोग वस्तुओं को वेल्ड करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं में वेल्डिंग डाली जा सकती है। इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, आप वस्तुओं को बांटने के लिए इंटरसेक्टिंग रोलअप का प्रयोग करते हैं। अलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, आप दो या दो से अधिक वस्तुओं का अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स द्वारा पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। आप इस बॉक्स में अलाइनमेंट की शैली भी बता सकते हैं। आप वस्तुओं को लंबवत एवं क्षैतिजीय दिशा में भी पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। निम्न प्रकार से वस्तुओं को पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। क, सर्वप्रथम ढेर सारी वस्तुएं बनाकर उन्हें सेलेक्ट कीजिए। ख, अब अरेंज अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट चुनिए। ग, प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में से अलाइन टैब चुनिए। वस्तुओं को बांटना, आप डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में स्थित विकल्पों के द्वारा वस्तुओं को बांट सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ है पंक्तिबद्ध करते समय वस्तुओं के मध्य समान खाली स्थान छोड़ना। इंटरैक्टिव डिस्टोरेशन टूल, ये टूल बॉक्स के इंटरैक्टिव टूल्स के फ्लाईआउट में उपलब्ध होता है। डिस्टोरेशन नोट्स तीन प्रकार के होते हैं, क पुश एवं पुल, ख जिपर, ग ट्विस्टर। क पुश एवं पुल,
पुश एंड पुल बटन के द्वारा आप चुनी हुई वस्तुओं को बांट सकते हैं। ख, जिपर डिस्टॉर्शन। आप जिपर डिस्टॉर्शन के द्वारा कई सारे रुचिकर प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ग, ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। ये वस्तु को दक्षिणावृत्त अथवा उसके विपरीत दिशा में घुमा सकते हैं, जिसे आप प्रॉपर्टी बार के द्वारा निश्चित कर सकते हैं। ब्लेंड तैयार करना। माध्यमिक आकृति एवं रंगों के प्रयोग से दो वस्तुओं को मिलाने की क्रिया को ब्लेंड कहा जाता है। जब आप पहली वस्तु बनाते हैं एवं इसके पश्चात उन दोनों को मिला देते हैं तो इस क्रिया को ब्लेंड कहते हैं। कोरल ड्रॉ में फाइल सेव करना। सर्वप्रथम फाइल पर क्लिक करके मेन्यू में से सेव पर क्लिक करें। प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में से फाइल के लिए नाम व सेव करने का स्थान चुनें और सेव पर क्लिक करें। आपकी फाइल निर्धारित स्थान पर सेव हो जाएगी।